फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्पना। डाबिस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका नाम है मटन ग्रेवी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम कुकर में ही बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। रेसिपी शुरू करने से पहले गाइस, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गाइस, हमने यहाँ 1.5 kg मटन लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं एक कढ़ाई गरम कर लूँगी जिसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने, और अब उसे हम थोड़ा अच्छा गरम कर लेंगे। और ये मैंने गरम मसाले निकाल के रखे थे, उन्हें हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छा रोस्ट कर लेंगे। खड़े गरम मसाले की मात्रा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने ये कितनी मात्रा में डाले हैं। और यहाँ मैंने रफली चॉप किए हुए 4 बड़े अनियन इसमें हम ऐड कर रहे हैं, और इन्हें अच्छे से इन मसालों के साथ सौते कर लेंगे। मसालों के साथ सौते करने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये सारे मसाले के जो फ्लेवर है वो इस मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाता है, और टेस्ट आपको एक्स्ट्रा गर्म मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ मैं अदरक डाल रही हूँ, जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था आधी कटोरी के बराबर हम लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। और यहाँ मैंने 5 से 7 हरी मिर्ची हमने कट करके रखी थी, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सोते होने के बाद गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ मैंने मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में ले लेंगे और इसे इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। फाइन पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम इसको पीसेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट इस बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ मैंने गर्म किया हुआ कुकर, उसमें 1 कटोरी के बराबर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। और एक छोटी प्याज मैंने जो चॉप बिल्कुल बारीक कट करके ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर ली है। और ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अच्छा ब्राउन बनाया है। और यहाँ मैं वो जो पेस्ट मैंने पीस के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और देखिए, ये ऑयल छोड़ने लग गया है। यहाँ मिला देंगे हम कुछ मसाले। 3 चम्मच के बराबर मैंने लिए हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च मेरी नॉर्मल है, ज़्यादा तीखी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच लिया। और 1 चम्मच रेड चिली होता है वो मैंने इसमें ऐड किया। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसालों की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, जो अच्छे से जिसे हमें सबको मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, ये मसाले हमारे तेल छोड़ने लग गए हैं। इस यहाँ पर हम डालेंगे अब हमारा धोया हुआ फ्रेश मटन, जो हमने पहले से ही साफ़ करके रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ। कुछ इस तरह से हमें सबको मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि हमें इसे बिल्कुल आहिस्ता से हिलाना है, ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं हिलाना है, बिल्कुल आराम से। मैंने इसको सबको मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ बंद कर रही हूँ कुकर, क्योंकि हमें ये 10 से 15 मिनट हमें इसे बंद करके ही पकाना है। और यहाँ मैंने कम से कम 4 सीटी लेने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला है। देखिए, हमारा मटन कितना अच्छा एकदम पक गया है, कुक हो गया है। अगर आपका मटन पका नहीं हो तो आप उसे थोड़ी देर और रख सकते हैं। मटन को काफ़ी अच्छा पकाना है, ताकि हम जिस भी बाइट को हम लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल अच्छा कुक हो जाना चाहिए। ओवर कुक नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल कुक होना चाहिए। यहाँ मैंने गर्म पानी इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा जो मैंने गर्म करके रखा था, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है, ताकि हम ग्रेवी बना सकें इसकी। क्योंकि अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो भुना हुआ था, अब ये इसमें ग्रेवी के साथ हम इसे तैयार करेंगे। अभी कोरिएंडर लीव्स के से मैं इसे गार्निश कर दूंगी और 2 से 3 मिनट हम इसे और पका लेंगे। देखिए, थोड़ा सा अच्छा और पक जाएगा तो इसके ऊपर जो तरंग है वो आ जाएगी। ये देखिए, आ गई है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल तरंग आ गई है। यहाँ कर देना है हमें गैस को बंद। और ये हमें सर्व करने के लिए तैयार है। हमारा मटन बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, मटन ग्रेवी, जिसे हमने ग्रेवी के साथ बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।